हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इट्स गुरपाल सिंह, योर अकाउंटेंस एंड इकोनॉमिक्स टीचर. सो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक कॉल्स इन एडवांस फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स. एज यू नो वेरी वेल, इन द लास्ट वीडियोज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉल्स इन एरियर. वॉट डू मीन बाई कॉल्स इन एरियर? बेटा, कॉल्स इन एरियर मीन्स वैन एवर एनी शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द कॉल्ड अप मनी. वैन एवर एनी शेयर होल्डर फेल्ड टू पे कॉल्ड अप मनी, दैट्स कॉल्ड कॉल्स इन एरियर. मीन्स कि जो शेयर होल्डर के द्वारा कॉल्स पे पैसा पे नहीं किया गया, जो मनी हमें नहीं मिला कॉल पे, दैट विल कॉल्ड कॉल्स इन एरियर. ओके बेटा. एंड इन द सेम वे कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ? वैन एवर एनी शेयर होल्डर पेड सर्टेन मनी ऑफ एनी कॉल इन एडवांस, दैट विल कॉल्ड बेटा वॉट? कॉल्स इन एडवांस, राइट? सो नाउ लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट योर एस आर नंबर इन द कॉमेंट बॉक्स. नाउ कम टू द पॉइंट, वॉट इज कॉल्स इन एडवांस? एज आई एक्सप्लेन ऑलरेडी, इफ यू हैव नॉट मैंशन योर एस आर नंबर, मैंशन योर एस आर नंबर इन द कॉमेंट. ओके, बहुत सारे बच्चे देख के वीडियो छोड़ रहे हैं, स्पेशली मनप्रीत. यू आर वॉचिंग फ्रॉम गूगल फॉर्म ना, बट नाउ यू वॉच फ्रॉम द लिंक. ओके, your SR number is required, otherwise I will mark your absent. See, now come to the point. Calls in advance, right? Portion of the capital paid by shareholder in advance, portion of the capital, part of the capital which is paid in advance, मतलब वो पैसा कंपनी के द्वारा जो पहले दे दिया गया, that is called calls in advance. Okay. अब शोन इन द बैलेंस शीट एज लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी अंडर हेडिंग करंट लाइबिलिटी अंडर अमाउंट एक्चुअली बिकम्स पेबल. ठीक है, अब ये आपको शो कहाँ पे करना है? वेयर इट हैव टू बी शोन, इट इज़ शोन अंडर द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटी. ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टाइम लाइबिलिटी है ये, जब कॉल ड्यू होगी तो ये आपकी लाइबिलिटी राइट ऑफ हो जाएगी. राइट, नाउ वी विल डिस्कस एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल, यानी कि वी हाउ वी हैव टू पास एंट्री. राइट, सी क्वेश्चन इज 17 फ्रॉम डी के गोयल बुक. दिस इज शिप्रा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 80,000 शेयर. हाउ मच? 80,000 एट रुपीज 10 ईच, एट रुपीज 10 ईच. राइट, एट रुपीज 10 ईच पेबल एज फॉलोज. 2.51 एप्लीकेशन, 2.51 अलॉटमेंट, 2 on first call and 3 on the final call. All shares were applied and allotted. Shankar holding 600 shares, paid whole amount along with allotment. And next it is saying, prepare passbook and journal entries, right? So if it is, this question is saying prepare passbook, so first of all the receipts entries will pass in cash book. मतलब जितनी भी receipt की entry हैं वो सारी cash book में pass कर दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी इशूड 80,000 शेयर ऑन 2.5. हाउ मच मनी वी विल गेट फ्रॉम एप्लीकेशन? 2 लाख. सो प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. फॉर्मेट बना लीजिए, डेबिट, डेट कॉलम, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. राइट, ऑन फर्स्ट में वी हैव रिसीव्ड 2 लाख रुपीज़. हाउ 2 लाख केम? यू हैव टू मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 80,000, दिस विल बी 2 लाख. ओके, नाउ On 1 June, so you have to write date beta 1 June, allotment money was received 2.5, 80,000 share, it will be 2 lakh, okay. Now question is saying, all shares were paid, a holder of 600 share paid whole amount along with allotment. Means, इसका हिंदी में बताऊँ कि इस 600 share holder ने 5 रुपए के हिसाब से advance में money pay कर दिया, right, 3 और 2, 5, 5 रुपए के हिसाब से, तो 600 शेयर से 5 रुपये के हिसाब से कितना आ गया? 3,000. सो 1 जून को ही अलॉटमेंट के साथ में पे किया था, दैट इज़ वाई वी हैव रिटन हेयर 2 शेयर अलॉटमेंट ऑन 1 जून, 2 कॉल्स इन एडवांस 3,000. राइट, यहाँ तक नोट हो गए. नेक्स्ट, ऑन 1 नवंबर कंपनी रिसीव्ड फर्स्ट कॉल. सो फर्स्ट कॉल वी विल रिसीव 15880. वाई दिस मच? सी द रेट इज 2 रुपीज़. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 80 into 2, इट विल बी 1,60,000 बेटा. ओके, एंड 600 शेयर्स पेड इन एडवांस, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट
1200, तो वेन एवर बेटा वी विल सब्ट्रैक्ट 1200 देन इट विल बी 8520 158800. सो वी विल राइट हेयर 158800. ओके, इन द सेम वे फाइनल कॉल इज ऑन 3, तो 8 × 3 इट विल बी 2 lakh, इट इज 80,000. ओके, सो 2 lakh 40,000, राइट बेटा. एंड 600 शेयर्स पेड इन एडवांस इंटू 3, मतलब समझ रहे हो ये माइनस क्यों कर रहा हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने जनवरी की फ़ीस जमा करी, सॉरी जुलाई की, साथ में 2000 रुपये एडवांस जमा कर दिया अगस्त की फ़ीस की. तो जब आप बेटे अगस्त की फ़ीस सबमिट करने जाएंगे देन यू विल सब्ट्रैक्ट 2000 फर्स्ट ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है. तो आपका 240,000 मान लो अगस्त का बन रहा है लेने वाला, जिसमें से 1200 आपका एडवांस है, 1200 माइनस कर दीजिए तो रिमेनिंग कितना बचेगा 2,38,200. सो हेयर वी विल लाइक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2,38,200. सो ऑल द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड हेयर, गॉट इट, अगर समझ में आ गई हैं प्लीज़ कृपा करके पुट योर कॉमेंट. येस आई हैव गॉटेड ऑल दीज एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. आगे बढ़ो, समझ में आ गया. एप्लीकेशन ले ली, अलॉटमेंट ले लिया, अलॉटमेंट में एडवांस ले लिया, कॉल दे दी, कॉल का एडवांस माइनस कर दिया, फाइनल कॉल ले ली, फाइनल कॉल का एडवांस माइनस कर दिया. नाउ द डेबिट साइड सम इज 8 lakh एंड दैट विल बी द क्लोजिंग फिगर ऑफ कैश बुक. सो इन द क्रेडिट साइड ऑन 1st February वी विल राइट बाई बैलेंस ई डी 8 lakh rupees, राइट. हाउ मच? 8 lakh. नाउ वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. सो ओनली ड्यू एंट्री विल बी रिकॉर्डेड. तो फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 lakh. देन आफ्टर दैट अलॉटमेंट ड्यू आपको निकालना है, तो 80,000 शेयर्स थे ना, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 lakh अलॉटमेंट का ड्यू का हो जाएगा. फर्स्ट कॉल 80,000 शेयर थे, 2 रुपये के हिसाब से मनी ड्यू हुआ, कितना हो गया 1,60,000 रुपये. तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 160, इसका भी आ जाएगा. ओके, आफ्टर दैट बेटा जो कॉल इन एडवांस था फर्स्ट कॉल का, आप उसकी एंट्री पास करेंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1200. अगर आप अलग नहीं पास करना चाह रहे हो देन यू कैन राइट सेम, ठीक है, आप साथ साथ में इस एंट्री को भी रिकॉर्ड कर सकते थे. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, देखिए ड्यू हो गए 240 की, 1200 जो एडवांस आया था ना मैंने वहाँ डायरेक्ट माइनस करा था, दैट एंट्री यू कैन पास थ्रू जर्नल. ओके, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. ओके, गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स बेटा. वॉट इज ओवर? यू थिंक ना, वेन एवर यू गो टू पिज़्ज़ा शॉप, यू हैव ईटन 1 pizza, यार ओवर हो गया. तो सेम थिंग विल बी इन द शेयर्स ऑल्सो. मीन्स वेन एवर कंपनी इशूड शेयर्स एंड द शेयर होल्डर्स अप्लाइड मोर देन द इशूड शेयर. अनदर एग्जाम्पल, मान लीजिए इफ़ यू आर हैविंग 10 children एंड ऑल आर स्टडिंग इन 1 class एंड इफ़ यू आर गोइंग टू वेंट टू स्कूल, आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए थे, ठीक है, एंड स्कूल इज़ अलाउइंग ओनली 5 children टू सिट इन द क्लास एंड यू आर फोर्सिंग देम टू अलाउ 10 students, तो जो 5 extra चिल्ली बिल्ली लेके गए ना, 5 extra childrens, दैट्स कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. अब आते हैं मुद्दे पे, एग्जाम्पल दे दिए बहुत सारे. इन द कंपनी वेन एवर कंपनी इशू नंबर ऑफ शेयर्स एंड दैट शेयर्स इन रिस्पॉन्स टू बाई पब्लिक अप्लाइड मोर देन द इशूड शेयर्स, दैट इज कॉल्ड बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट. ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? व्हेन कंपनी ऑफर्ड शेयर्स एंड पब्लिक अप्लाइड मोर देन द ऑफर्ड शेयर्स, दैट विल कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इशूड कैपिटल. अब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है बेटा वो इशूड से ज़्यादा नहीं हो सकती ना. अगर मेरे पास 10 बच्चे के बैठाने की जगह, तो मैं 10 ही बैठाऊंगा, मैं 12 नहीं बैठा पाऊंगा ना. मान लीजिए मेरे पास 1 lakh rupees हैं, तो मैं पब्लिक को 1 lakh rupees ही दे पाऊंगा, 2 lakh नहीं दे पाऊंगा, राइट. तो इन द सेम वे इफ कंपनी हैज रजिस्टर्ड 1 lakh इशूड कैपिटल देन ओनली कंपनी कैन कलेक्ट थ्रू पब्लिक ओनली 1 lakh, दे कैन नॉट कलेक्ट मोर देन 1 lakh. ओके, सो व्हाट विल बी इट्स ट्रीटमेंट? आइदर द कंपनी विल एक्सेप्ट ऑल द नंबर ऑफ शेयर्स, बट द कंपनी विल अलॉट
shares to only few shareholder, not to all, and their excess money will be adjusted on their subsequent calls. Likewise, if you are having 10 children and you have taken a registration for all, but only 5 are selected in the school, right beta? So school will not going to refund the registration of all the remaining 5 students, but at least this can be done by the school, that they will adjust their registration fee in the school fee of remaining 5 children. Okay, the same way, if a company offered 10,000 share, public applied for 12,000 share, so company will reject 2,000 shares. Either company can directly refund the number of 2,000 shares amount, or company can adjust their amount in the subsequent call of remaining 10,000 shareholder. Okay, so rejection of application, either there will be full allotment, either it will be a pro rata allotment. So teen tarah se treatment hoga over subscription ka. Rejection mein jitna extra hai usko reject karke refund kar diya jayega. Full allotment mein jitne share hum adjust kar sakte the unko full allotment de di, baaki ko reject kar denge. Aur pro rata, jaise maine bola ki aapne rakh 12 aaye the, 12 the aapke paas 10, to 2 ka paisa aapne kya kara, aane wali call pe adjust kar diya. Okay, so this is the treatment of oversubscription. Now here we will study with the help of one example. Ki to provide employment to the youth development of Bermula district of Jammu and Kashmir, Jyoti Power Limited decided to set up a power plant. For raising funds, company decided 850,000 issued shares of 10 each at 3 premium. So total kitna ho gaya beta, 13. The whole amount was payable on application. Sara money application pe hi aa jana tha, and application were received for 20 lakh. 850,000 issue kare the, पर पब्लिक ने कितने के लिए इशू कर दिया बेटा, 20 लाख के लिए इशू कर दिया. 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड इमीडिएटली एंड रिमेनिंग विल बी एडजस्टेड ऑन प्रोराटा. बेटा देखिए, प्रोराटा जब तब काम करेगा इफ़ यू आर कलेक्टिंग मनी मोर देन वन कॉल और मोर देन टू कॉल्स. इफ़ यू आर टेकिंग मनी वंस, अगर आप सारा मनी बेटा एक ही बार में ले रहे हो तो आप कहीं पर एडजस्ट नहीं कर सकते ना. तो सेम चीज़ इस क्वेश्चन में लग रही है कि हेयर ओनली क्वेश्चन इज एक्सेप्टिंग मनी वंस इन द एप्लीकेशन ओनली. सो यहाँ पे दिखा दो 3 लाख रिजेक्ट के लिए कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर दीजिए, बट जो रिमेनिंग और भी बचेंगे, मान लीजिए 850 है, 20 माइनस कर दिया, इट विल बी 11,50,000 रिमेनिंग शेयर्स. फ्रॉम रिमेनिंग 11,50, 3 लाख विल बी रिजेक्टेड, तो बचे कितने, 11 में से 8,850. तो कंपनी विल नॉट गोइंग टू रिजेक्ट ओनली 3, कंपनी विल रिजेक्ट ऑल 11,50,000 शेयर्स. राइट, समझ में आ रही है बात कि अगर यहाँ पे अलॉटमेंट भी होती, फर्स्ट कॉल भी होती, तो हम क्या करते, जो हमारे एक्सेस शेयर थे 3 लाख के अलावा, उनका मनी एडजस्ट करते रहते आगे. बट हेयर ओनली इन एप्लीकेशन वी आर गेटिंग मनी, सो इन वन एंट्री वी विल पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसीव मनी, क्योंकि एप्लीकेशन पे जितनी भी एप्लीकेशन आती सभी का मनी रिसीव किया जाता है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 20 लाख शेयर्स थे, 20 लाख इंटू 13 रुपीज़ पर का रेट था, तो 26 लाख आपका मनी रिसिप्ट हो गया. ओके, 26 लाख. नाउ इक्विटी शेयर ओनली कंपनी वॉज इशूड 8,50,000 शेयर इंटू 10 कर दिया, तो 85 लाख. Here it is 2,60,00,000, right? 85 लाख was actual share capital of company, and 8,50,000 से ही आप premium की भी multiply करेंगे 3 से, so 25,55,000 was its actual share premium, and remaining 8,50,000 shares, sorry 11,50,000 share at the rate 13 से पे हमने receive करा है ना, उनको कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी. ओके, यह है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन. तो जितने भी एक्स्ट्रा मनी आ गया था, कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी एट वंस, दैट इज़ वाई ऑल द शेयर्स मनी वाज रिजेक्टेड. राइट, ऑल द मनी वाज रिजेक्टेड. सो इन द टू एंट्रीज वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से करना है, एंड दिस इज CBSE 2016 ऑल इंडिया क्वेश्चन. ओके, सो दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. अगेन बता दूं, अगर आपका एक ही बार में सारा पैसा आ रहा है और ओवर सब्सक्रिप्शन लगा हुआ है, तो जितने भी ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर हैं आप डायरेक्ट उनको रिजेक्ट करा दीजिए. रिजेक्ट करते हैं तो जो मनी है वो क्या कर दिया जाता है, रिफंड. और रिफंड कैसे होता है, यू हैव टू राइट टू बैंक इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल एंट्री. जो ड्यू की एंट्री होती है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग शेयर कैपिटल में, तो उस एंट्री में आपको क्या करना होता है, रिफंड कर देना होता है. तो आई होप यू हैव गॉटेड ऑल द थिंग्स वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. So thank you students for watching this video. I hope
you are getting all the things. And today's announcement by CBSE, you have heard, I have mentioned in the status also, as well as I have communicated message with you all, that few topics are deleted, but still we will study all the topics, okay? But whatever topics are deleted, only few things we will study from that. We will not focus them proper more deeply, but we have to study all the things, right? Don't think this thing is deleted and it will not also. For your future reference, you have to study, that will benefit you in your future, okay? Bye-bye, take care.